क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया श्रीलंका के दौरे पर है और एक हफ्ते बाद वनडे सीरीज का आगाज होगा और फिर उसके बाद T20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी। अब वैसे तो भारत के श्रीलंका दौरे पर 25 खिलाड़ी भेजे गए हैं, जिसमें से 20 खिलाड़ी मेन स्क्वाड में शामिल हैं तो 5 खिलाड़ी स्टैंडबाय भी हैं। अब ये 25 खिलाड़ी लंका में हैं और खूब पसीना भी बहा रहे हैं, लेकिन इस बीच बहुत बड़ी खबर आ रही है क्योंकि टीम इंडिया के एक दिग्गज खिलाड़ी की 3 महीने बाद वापसी हो रही है। और बड़ी खबर यह है कि अब तो धवन की कप्तानी पर भी संकट खड़ा हो गया है, सवाल खड़ा हो गया है, जो कि पहले फाइनल हो गई थी। तो क्या हो गया अचानक ऐसा, कैसे दिग्गज को मिली एंट्री और क्यों कप्तानी पर छिड़ गया संग्राम, आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो श्रीलंकाई दौरे पर भारतीय टीम को 3 वनडे और 3 T20 मैचों की ही सीरीज खेलनी है और इसके लिए टीम इंडिया श्रीलंका में है, कोलंबो में जबरदस्त प्रैक्टिस चल रही है। अब जब से दौरा घोषित हुआ तब से ही पहला नाम जो कि चर्चाओं में था वो था श्रेयस अय्यर का। जी हाँ, अय्यर को ही कप्तान बनाया जाना तय था, अय्यर की ही लीडरशिप में टीम का श्रीलंका जाना भी तय था, लेकिन श्रेयस अय्यर अपनी फिटनेस साबित नहीं कर पाए और फाइनली उन्हें कप्तानी तो दूर टीम इंडिया में चुना तक नहीं गया। अब ऐसे में बड़ी खबर यह है कि श्रेयस अय्यर फिट हो गए हैं। जी हां, अय्यर ने अपना फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है और खुद बीसीसीआई की तरफ से अय्यर के फिटनेस को मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद अय्यर को खेलने के लिए फिट घोषित कर दिया गया है, हरी झंडी दिखा दी गई है। अब बड़ी खबर यह भी है कि श्रेयस अय्यर तुरंत ही श्रीलंका दौरे के लिए रवाना हो सकते हैं। जी हां, बीसीसीआई सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि श्रेयस अय्यर को तुरंत ही श्रीलंका भेजा जा सकता है ताकि टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर को मजबूती मिल सके, क्योंकि इंग्लैंड से भारत की सीनियर टीम ने 2 खिलाड़ियों को वहां मांग लिया है और इन खिलाड़ियों को इंग्लैंड अगर भेजा जाता है तो फिर श्रीलंका गई टीम में टॉप ऑर्डर कमजोर हो जाएगा और इसीलिए तुरंत ही श्रेयस अय्यर को, जो कि अब फिट हो चुके हैं, उन्हें श्रीलंका भेजा जा सकता है। हालांकि क्वारंटीन नियमों के चलते अय्यर वनडे सीरीज तो नहीं खेल पाएंगे, लेकिन T20 सीरीज में श्रेयस अय्यर के खेलने की पूरी पूरी संभावना बनती हुई दिख रही है। अब एक और बड़ी खबर कप्तानी को लेकर भी है। श्रेयस अय्यर को लेकर शुरू से ही कहा जा रहा था कि वही श्रीलंका दौरे पर भारत के कप्तान होंगे, लेकिन अय्यर फिट नहीं हो पाए तो फिर शिखर धवन यानी कि गब्बर को कप्तानी दी गई और अब कई लोगों का कहना है कि अय्यर के फिट होने के बाद एक बार फिर से अय्यर को ही कप्तानी सौंप दी जानी चाहिए। तो इस पर कन्फर्म खबर ये है कि अय्यर को कप्तानी सौंपी जाएगी। जी हाँ, अय्यर को कप्तानी सौंपी जाएगी, धवन की जगह पर कप्तानी सौंपी भी जाएगी, लेकिन ये कप्तानी भारतीय टीम यानी कि टीम इंडिया की नहीं होगी बल्कि आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी होगी। जी हां, ये बड़ी खबर है क्योंकि आईपीएल के पहले हाफ में दिल्ली के लिए ऋषभ पंत ने कप्तानी की थी, लेकिन जब श्रीलंका दौरे पर शिखर धवन को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया तो दिल्ली कैपिटल्स भी दूसरे हाफ में शिखर को कप्तान बनाने की तैयारी कर रही थी। लेकिन अब श्रेयस अय्यर पूरी तरह से फिट हो चुके हैं तो अब धवन को दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी नहीं मिलेगी और फिट हो चुके श्रेयस अय्यर आईपीएल के दूसरे हाफ में दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे और वो भी शिखर धवन की जगह पर। अब जहां तक श्रीलंका दौरे का सवाल है तो वहां पर धवन को दोनों ही फॉर्मेट में चयनकर्ताओं ने कप्तान बनाया है और धवन ही पूरे दौरे पर कप्तान रहेंगे, चाहे वनडे सीरीज हो या फिर T20 सीरीज। हाँ, अगर श्रेयस अय्यर टीम के साथ जुड़ते हैं और T20 मैचों में बतौर खिलाड़ी खेलते हैं तो ये टीम के लिए फायदेमंद होगा, कप्तान धवन के लिए भी फायदेमंद होगा, क्योंकि 2 खिलाड़ियों को तो श्रीलंका से इंग्लैंड भेजा जाना तय है, जिससे शिखर की टीम कमजोर हो सकती है। लिहाजा अय्यर की धमाकेदार एंट्री होना तय है, जो कि खुद टीम इंडिया के लिए और कप्तान शिखर धवन के लिए बड़ा फायदा होगा। तो आपको क्या लगता है, क्या शिखर धवन सही कप्तान है या फिर श्रेयस अय्यर को कप्तानी दे दी जानी चाहिए, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो श्रीलंका में भारतीय टीम को कुल 6 मैच खेलने हैं, पहले वनडे मैच होंगे तो फिर 3 T20 मैचों की सीरीज होगी। अब भारत की सीनियर टीम इंग्लैंड गई है तो इस सीरीज के लिए भारत की दूसरी टीम को लंका भेजा गया, जिसे कि भारत की दूसरे दर्जे की टीम या फिर बी टीम कहा जा रहा है। यही नहीं, श्रीलंका के पूर्व कप्तान अर्जुन रणतुंगा ने तो साफ साफ कह दिया कि ये श्रीलंका का, श्रीलंका के बोर्ड का अपमान है कि भारत अपनी बी टीम यहाँ भेज रहा है और श्रीलंका को इस बी टीम के खिलाफ मैच खेलने से इनकार कर देना चाहिए, जिस पर खासा बवाल भी हुआ था।
भारत की तरफ से भी कई दिग्गजों ने रणतुंगा को तीखा जवाब दिया था और आकाश चोपड़ा ने तो यहां तक कह दिया था कि श्रीलंका की मुख्य टीम ही अफगानिस्तान से भी गई गुजरी है और भारत की बी टीम तो दुनिया में कहीं भी किसी भी टीम को हरा सकती है। लेकिन ये बी टीम का विवाद अब थमने के बजाय आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, बी टीम का विवाद अब आगे बढ़ गया और अब भारत के बाद श्रीलंका की बी टीम को लेकर खासा विवाद हो गया है। हालत यहां तक पहुंच गई है कि भारत का ये दौरा रद्द हो सकता है, खत्म हो सकता है, क्योंकि श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने और बोर्ड ने खेलने से इनकार कर दिया है। जी हाँ, यही बड़ी खबर है। श्रीलंकाई टीम के सीनियर खिलाड़ियों ने अब तक अपने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं किया है और इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर खासा विवाद लगातार चल रहा है। इंग्लैंड दौरे पर श्रीलंका के खिलाड़ी बिना कॉन्ट्रैक्ट साइन किए ही गए थे और उसे बाद में देख लेने की बात कही गई थी, लेकिन अब श्रीलंका बोर्ड ने साफ साफ कह दिया है कि भारत के साथ सीरीज कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद ही होगी और अगर सीनियर खिलाड़ियों ने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं किया तो फिर श्रीलंकाई बोर्ड अपने दूसरे दर्जे की टीम यानी कि लंका भी अपनी बी टीम मैदान में उतार देगा। लेकिन इतना होने के बाद भी बवाल कहां थमना था, क्योंकि इसमें एक नया ट्विस्ट आ गया है। अब खबर यह है कि जिन खिलाड़ियों को श्रीलंका की बी टीम कहा जा रहा था यानी कि जो खिलाड़ी श्रीलंका के लिए दूसरे दर्जे के थे और सीनियर्स के कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करने पर उन्हें खिलाने का दावा लंका बोर्ड कर रहा था, उन खिलाड़ियों ने भी खेलने से इनकार कर दिया है और अपने सीनियर खिलाड़ियों का ही साथ देने का ऐलान किया है, जिसके बाद तो बवाल मच गया है। क्योंकि अब अगर कोई भी श्रीलंकाई खिलाड़ी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगा तो भारत के साथ ये सीरीज होगी नहीं और लंका बोर्ड ने भी साफ साफ कहा है कि बिना कॉन्ट्रैक्ट के भारत के साथ सीरीज बिल्कुल नहीं होगी। तो अब तो भारत के साथ सीरीज पूरी तरह से खटाई में पड़ती दिख रही है और अगर 10 जुलाई तक ये संकट हल नहीं होता है तो फिर भारतीय टीम को बिना खेले ही कोलंबो से वापस भारत लौटना पड़ सकता है, क्योंकि 10 जुलाई के बाद श्रीलंकाई टीम का चयन हो नहीं पाएगा और फिर सीरीज भी नहीं खेली जाएगी। हालांकि बीसीसीआई को अभी भी भरोसा है कि लंकाई बोर्ड कुछ न कुछ हल निकाल लेगा, लेकिन जिस तरह से खिलाड़ी और बोर्ड अपनी अपनी जिद पर अड़े हैं तो ये चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं कि अब सीरीज रद्द हो जाए और अगर ये सीरीज रद्द होती है बिना खेले ही भारतीय खिलाड़ी वापस आते हैं तो ये क्रिकेटर्स के साथ साथ टीम इंडिया के फैंस के साथ भी बड़ा धोखा होगा और अगर लंका इतना बड़ा धोखा भारत के साथ भारत के फैंस के साथ करता है तो फिर तो टीम इंडिया को श्रीलंका के साथ कभी भी कोई भी सीरीज खेलनी ही नहीं चाहिए और यही श्रीलंका की सजा होगी, क्योंकि उनके देश का मैटर उन्हें सुलझाना ही होगा, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट का मसला हो या फिर ए टीम या फिर बी टीम का मसला, जो भी मसला हो श्रीलंकाई बोर्ड को उसे सुलझाना ही होगा और मेहमान टीम से जिस तरह का बर्ताव किया जा रहा है ऐसा बर्ताव बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है, क्या लंका बोर्ड इस विवाद को सुलझा लेगा, क्या ये सीरीज हो पाएगी या फिर भारतीय टीम को बिना खेले ही भारत वापस लौटना होगा? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।